हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज, और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर डीजल मैकेनिक का फुल कोर्स चल रहा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 14, ठीक है, यानी कि लेक्चर नंबर 14 है आज हमारा। इसके पहले हमारे 13 लेक्चर हो चुके हैं और 5 चैप्टर हो चुके हैं। जो हमारा ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, इंजन कूलिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में ही कि इंजन में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है, जिसके कारण हमको इंजन की कूलिंग करनी पड़ती है। नहीं तो इंजन के सभी मेटल पार्ट्स इतने ज़्यादा गर्म हो जाएंगे कि वो आपस में पिघल कर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में, जहाँ पर हवा के माध्यम से हम लोग कूलिंग कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं, सभी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो आज अगर हम लोग ये आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। जैसे बड़े बड़े जो इंजन होते हैं उनकी हम हवा से कूलिंग करके काम नहीं चला सकते, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पानी का उपयोग करना पड़ता है, वाटर का उपयोग करना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हवा होती है, हवा का ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक, यानी कि ऊष्मा को स्थानांतरित करने वाला जो गुणांक होता है बहुत ही कम होता है। यानी कि हवा अगर किसी चीज़ से टकराएगी तो बहुत ही कम ऊष्मा को अपने साथ बाहर ले जाएगी, लेकिन पानी का जो ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक, इसकी विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट अधिक होने के कारण क्या होता है, अधिक होता है। तो पानी अगर किसी चीज़ के संपर्क में आएगा तो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा को अपने साथ बहा करके ले जाएगा। तो इसलिए बड़े इंजनों में, भारी इंजनों में हम लोग क्या करते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक हमारे 13 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो डीजल मैकेनिक फुल कोर्स, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वाटर कूलिंग सिस्टम में हम लोग को दो तरह का सिस्टम पढ़ना होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा, यानी कि एक तरह से देखें तो दो तरह से वाटर कूलिंग, यानी कि जिस सिस्टम से वाटर कूलिंग की जाती है वो दो तरह का होता है। पहला होता है थर्मोसाइफन सिस्टम, ठीक है, या थर्मोसाइफन विधि आप लिख लीजिए, थर्मोसाइफन विधि। और दूसरा हो गया पंप विधि। दूसरा कौन सा हो गया, पंप विधि। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोसाइफन, ये जो पहला वाला फिगर बना हुआ है ये थर्मोसाइफन विधि है, और जो ये दूसरा वाला फिगर बना हुआ है ये कौन सी है, ये पंप विधि है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप अपने कॉपी में इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए थर्मोसाइफन विधि। अब देखिए, जो थर्मोसाइफन विधि होती है और जो दूसरी होती है पंप विधि, तो दूसरे वाले का काम, तो नाम से काम उसका स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हम किसी न किसी पंप का उपयोग करेंगे। पानी को पूरे सिस्टम में सर्कुलेट कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पंप का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो थर्मोसाइफन विधि होती है, यहाँ पर हम किसी के पंप का उपयोग नहीं करते हैं। तो आपके मन में ये आएगा कि भैया, अगर हम किसी पंप का उपयोग नहीं करेंगे तो पानी कैसे ही अपने आप इस सिस्टम में सर्कुलेट करेगा। तो थर्मोसाइफन में हम लोग किसी पंप का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो पानी पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होता है वो उसके घनत्व के अंतर के कारण क्या होता है, सर्कुलेट होता है। किसके कारण सर्कुलेट होता है, घनत्व के अंतर के कारण जो है सर्कुलेट होता है। तो यहां पे एक पॉइंट लगा के लिखिए, इस विधि को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि विभिन्न तापक्रम पर पानी के घनत्व में परिवर्तन के कारण उसका परिचालन हो सके। ठीक है, तो देखिए, घनत्व तो क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तो पानी का जो घनत्व तो है वो कम हो जाता है। जब पानी का घनत्व तो कम हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए आप एक बर्तन में गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करके रख दीजिए,
तो गर्म पानी का जो घनत्व होता है क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ उठता है। तो किसी न किसी बॉयलर में भी, जो हमारे बॉयलर होते हैं, कुछ बॉयलरों में भी थर्मोसाइफन विधि का उपयोग पानी को सर्कुलेट कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। ठीक है, यदि हम आयतन को क्या कर दें, नियत कर दें, यानी कि कांस्टेंट कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, घनत्व प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मात्रा। ठीक है, यानी कि मात्रा क्या है, मास है। तो घनत्व तो जितना ज़्यादा मात्रा उतना ज़्यादा, घनत्व तो जितना कम मात्रा उतना ज़्यादा कम। और पानी जब गर्म होगा तो उसका घनत्व तो क्या होगा, कम होगा, यानी कि उसका मास कम हो जाएगा और वो ठंडे पानी से क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। ठीक, यही प्रोसेस जो है यहाँ पे होता है। आइए मैं समझाता हूँ, फिगर को हम लोग पहले सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो फिर फिगर को समझिए, फिगर में कौन सा पार्ट जो है वो क्या है। ये कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा होता है वाटर जैकेट का, वाटर जैकेट। वाटर जैकेट मतलब इसी के अंदर पूरा जो इंजनवा है वो रहता है। ठीक है, इंजन और यहाँ पे पिस्टन वगैरह लगा होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक तरह से लोहे की जैकेट बनी होती है जिसके अंदर पानी यहाँ से आए और आसानी से यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो अब देखिए पानी यहाँ से आया, ठंडा पानी यहाँ से आया। ठीक है, जब ठंडा पानी यहाँ से आएगा पूरे सिस्टम में फ्लो करेगा, तो यहाँ से जो सिलेंडर से हीट रिलीज हो रही है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब उसको एब्जॉर्ब करने के बाद पानी गर्म हो जाएगा, एब्जॉर्ब जब हीट करेगा तो पानी गर्म हो जाएगा, तो यहाँ से गर्म पानी खुद क्या करेगा, अपने से ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से कहाँ पर चला आएगा, रेडिएटर में। इसको बोलते हैं रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता है, गर्म पानी को जो है लगातार ठंडे करते रहना। ठीक है, मान लीजिए क्यों हम लोग क्यों रेडिएटर का उपयोग करते हैं, रेडिएटर का उपयोग ही ना करें, लगातार ठंडा पानी दूसरे जगह से भेजते रहें तो कैसे करेंगे भैया। मान लीजिए आपकी कार है, कार में आपने कुछ पानी स्टोर कर लिया, तो क्या आप रास्ते में बार बार पानी उस पर ठंडा पानी इसमें भरते रहेंगे कि पानी फिर गर्म हो जाएगा तो फिर बदलेंगे, दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। कार आपकी ड्राइव कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टैंक में कुछ पानी भर दिया जाता है, पानी यहाँ से जाता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठने के बाद यहाँ से क्या आता है, रेडिएटर में आता है। रेडिएटर का काम क्या होता है, पानी को ठंडा करना। ठीक है, जब इन पाइपों के बीच में से क्या होता है, पानी गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगी होती है, फिन्स लगी होती है। फिन्स का उपयोग मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। फिन से क्या होगा, जो पाइप के अंदर पानी जाएगा तो पाइप के अंदर जो पानी जा रहा है उसकी ऊष्मा फिन्स को क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो फैन रहेगा ये हवा को बाहर से अंदर की तरफ खींचता है। जब हवा को बाहर से अंदर की तरफ खींचता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा इन फिन्स के माध्यम से गुजरती है और यहाँ से जो ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब करके चली जाती है, और यहाँ पे जो पानी हमको नीचे की तरफ मिलता है ये क्या होता है, ठंडा पानी। और फिर ठंडा पानी यहाँ से क्या होता है, इस वाटर जैकेट में आ जाता है। और इसी तरीके से जो हमारा थर्मोसाइफन सिस्टम है बिना किसी पंप के क्या करता रहता है, काम करता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग को पावर की बचत होती है, हमको किसी अलग से किसी पंप की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, लेकिन इसका एक नुकसान है, इसमें जो पानी की प्रवाह दर होती है बहुत धीरे होती है। पानी जब गर्म होगा एकदम से तब धीरे धीरे उठेगा, फिर रेडिएटर में आएगा, फिर रेडिएटर से में धीरे धीरे गिरेगा, ठंडा होगा, फिर यहाँ से वाटर जैकेट में जाएगा। तो जो भारी इंजन होते हैं उसमें ये विधि उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये आपको जल्दी जल्दी कूलिंग करनी पड़ती है, और ये जब बहुत धीरे धीरे काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए इस विधि का उपयोग क्या किया जाता है, बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्मोसाइफन विधि। अब देखिए यहाँ पर एक पार्ट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड
टैंक, ठीक है, इसमें भी होता है। यहाँ पे प्रेशर कैप भी लगा होता है, ठीक, प्रेशर, इसको आप लिख लीजिए प्रेशर कैप, ठीक। तो ओवरहेड टैंक का क्या काम होता है, ये भी आपसे प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो ये रेडिएटर को फटने से बचाता है। देखिए, जब पानी गर्म होता है तो पानी क्या होता है, थोड़ा सा फैलता है, यानी कि उसका आयतन क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। तो अगर पानी को, पानी जब इसमें से गर्म पानी आएगा और उसको कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो जो रेडिएटर की पाइप है उसको क्या कर देगा, फाड़ देगा। तो ओवरहेड टैंक यहाँ पर सेफ्टी के लिए बना रहता है, ताकि अगर कोई मान लीजिए पानी का आयतन बढ़े तो वो एक्स्ट्रा पानी इस ओवरहेड टैंक में क्या हो जाए, चला जाए, ठीक है। तो इसलिए ओवरहेड टैंक बना होता है। तो ये था हमारा थर्मोसाइफन सिस्टम। सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यार इतना आसानी से कैसे हो गया। सिंपल, ऐसे ही कोई भी वाटर कूलिंग जो सिस्टम होता है इसी तरीके से काम करता है। बाकी भी 4-5 पॉइंट हैं महत्वपूर्ण, उसको मैं आपको अलग से हेडिंग के माध्यम से लिखाऊंगा, अभी इसको समझते जाइए। सिंपल, पानी यहाँ से आया, गर्म होकर उठा, घनत्व कम होने के कारण फिर रेडिएटर में आया, ठंडा हुआ। प्रश्न कैसे पूछेगा ये भी मैं अभी पॉइंट के माध्यम से लिखाऊंगा। तो ये मत सोचे कि यार बहुत सिंपल है और प्रश्न कैसे बनेगा पता ही नहीं चल रहा है, तो अभी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हो गया, ये हो गया हमारा थर्मोसाइफन सिस्टम। अब हेडिंग डाल लीजिए थर्मोसाइफन विधि। अब हेडिंग डाल लीजिए पंप विधि। पंप विधि में दो तीन चीज़ें जो क्या होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। पंप विधि, ठीक। अब सिंपली नाम से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे पानी को पूरे सिस्टम, यानी कि जल्दी जल्दी पानी को खींचेगा, ठंडे पानी को, गर्म पानी को रेडिएटर में भेजेगा, फिर यहाँ से ठंडे पानी को जल्दी से खींचेगा और यहाँ पे वाटर जैकेट में सप्लाई करेगा। सिंपल इसका काम है कि यहाँ पे हम लोग अलग से टुल्लू लगा देते हैं, घर में आपके जो टुल्लू है आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल वही है। तो जल्दी जल्दी पूरे सिस्टम में जो पानी को एकाग्र करता है, सर्कुलेट कराने का काम करता है। यहाँ पे भी इसके पार्ट भी लिख लीजिए, ये वाटर जैकेट हो गई, ये इसको बोलते हैं क्रैंक केस, उसमें भी लिख लीजिए, यानी कि इंजन का नीचे वाला पार्ट जहाँ पे क्रैंक केस, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड वगैरह रहते हैं, वो वाला पार्ट, ठीक है। ये हो गया पंप, ये सभी चीज़ें तो उसमें भी थी। इसमें देखिए दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। पहला ये आता है थर्मोस्टेट वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व। दूसरा, ये एक एक्स्ट्रा रास्ता आपको दिख रहा होगा, उसमें क्या था, एक ही रास्ता था, डायरेक्ट यहाँ से रेडिएटर, यहाँ से वाटर जैकेट से पानी आता था, ठीक है, और यहाँ पे रेडिएटर में आकर ठंडा होकर निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको एक रास्ता और दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाईपास वे, बाईपास वे, ठीक है। यह आपका रेडिएटर हो ही गया, रेडिएटर, ये ओवरहेड टैंक मैंने आपको बता ही दिया, ओवरहेड टैंक, ये होता है एक एक्स्ट्रा प्रेशर कैप, ठीक है। तो वाल्व यहाँ पे लिख लीजिए, वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व, ठीक है। अब जिन लोगों ने ध्यान से मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, तो मैंने आपको वहाँ पे एक पॉइंट लिखाया था कि इंजन को सही से कार्य करने के लिए मिनिमम जो है कितना तापमान होना चाहिए, तो 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड शायद मैंने बताया था, या 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इंजन को जो हमको ठंडा करना है, कूलिंग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना ठंडा नहीं करना है कि एकदम से ठंडा हो जाए और हमारी जो इंजन की एफिशिएंसी हो वही कम हो जाए। पहली बात तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग कूलिंग करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कूलिंग कर देंगे तो इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक पॉइंट लिखाया था कि इंजन को सही तरीके से कार्य करने के लिए कम से कम कितना तापमान आवश्यक है, तो 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इस कूलिंग सिस्टम को कैसे पता चले कि भैया कि इंजन के लिए इतना तापमान आवश्यक है, ये तो कहेगा कि हमारा काम है कूलिंग करना, हम लगातार कूलिंग करते रहेंगे, इंजन को एकदम ठंडा रखेंगे, हमारा यही काम है। इसको कैसे पता चलेगा कि भैया 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमको कम से कम रखना है, नहीं तो इंजन हमारा सही से वर्क नहीं करेगा। तो इसको कैसे पता चलेगा, तो इसी को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या रख देते हैं, अटेंडेंट रख देते हैं, एक
कर्मचारी को आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। ये क्या करता है, इसको याद दिलाता रहता है भैया कि इससे कम तापमान इंजन का नहीं होना चाहिए, यानी कि हमको ठंडा करना है लेकिन 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो हमारा तापमान आएगा वही हमको ठंडा करना है। तो अब देखिए होता क्या है, जब यहाँ से ठंडा पानी रेडिएटर से आया, ठीक है, फिर पंप के माध्यम से कहाँ गया, वाटर जैकेट में। वाटर जैकेट से क्या किया, उष्मा के उपचार किया। उष्मा के उपचार करने के बाद जब यहाँ पर इस थर्मोस्टेट वाल्व के पास पहुँचता है तो ये चेक करता है कि इस पानी का जो टेम्परेचर है कितना है। अगर पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, यानी कि पानी को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टेम्परेचर तो हमारे इंजन को चाहिए ही काम करने के लिए, तो ये इसको रेडिएटर में नहीं भेजता है क्योंकि रेडिएटर में भेज देगा ठंडा हो जाएगा तो पानी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। तो ये इसको रेडिएटर में ना भेज के यहाँ से एक अलग से रास्ता दे देता है, ठीक है। यहाँ से जब अलग से रास्ता दे देता है तो वही पनिया घूम के क्या होता है, फिर से यहाँ से इस पंप में आ जाता है और फिर वाटर जैकेट में चला जाता है, समझ रहे हैं। जब इसी तरीके से कई बार काम कर लेते हैं और पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, तब ये समझ जाता है कि भैया अब इंजन हमारा गर्म हो रहा है, अब हमको क्या करना है, जो पानी वाटर जैकेट में भेजना है वो ठंडा करके भेजना है। तो वो क्या करता है, ये वाला रास्ता बंद कर देता है और ये वाला रास्ता खोल देता है। तो यहाँ से पानी क्या होता है, इस रेडिएटर में जाने लगता है, जहाँ पर जब रेडिएटर की पाइपों से गुजरता है तो यहाँ पे क्या लगा होता है, जो फैन लगा होता है ये अंदर की ओर हवा को खींचता है। ये सब प्रश्न है भैया, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ये सब प्रश्न है, पूछा जाता है कि वाटर कूलिंग सिस्टम में जो फैन लगा होता है वो हवा को कैसे संचारित करता है, पीछे से आगे की ओर, आगे से पीछे की ओर, ठीक है, क्योंकि जब खींचेगा तो ज़्यादा हवा को खींचेगा, जबकि अगर आगे से पीछे से आगे की ओर संचारित करेगा तो यहाँ पे फिन्स वगैरह के कारण हवा इससे पूरी तरीके से पास नहीं हो पाएगी, लेकिन जब खींचेगा तो फिन्स के बीच में जो स्पेस रहेगा उसमें से हवा को क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसीलिए बार बार ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अभी मैं पॉइंट के माध्यम से आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो जब ये खोल लेता है तो पानी के तापमान जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तब ये रेडिएटर में भेजता है, तो यहाँ पे पानी ठंडा होता है और फिर पंप के माध्यम से वाटर जैकेट में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम काम करता है। अब यहाँ पे ओवरहेड टैंक का काम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब पानी गर्म होता है तो फैलता है, तो फैलने पे रेडिएटर की पाइपों को फटने से बचाने के लिए, पाइप फटे ना, अगर कोई एक्स्ट्रा पानी आए तो ऊपर ओवरहेड टैंक में चला जाए और जब फिर उसका तापमान कम हो तो फिर वो रेडिएटर में चलाए, उसका उपयोग किया था। तो यहाँ पे एक अलग सा प्रेशर कैप का भी उपयोग किया जाता है, अगर रेडिएटर का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो प्रेशर कैप भी हमारा क्या होता है, रेडिएटर को फटने से बचाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये पंप विधि वाला जो वाटर कूलिंग सिस्टम है ये काम करता है, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और देखिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अपने और पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, पहला हेडिंग डालिए थर्मो स्टेट। काम वगैरह मैंने सब आपको बता ही दिया, इसमें लिख लीजिए जब पानी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तब थर्मोस्टेट पानी को रेडिएटर में भेजता है, ठीक है। पानी को कहाँ पर भेजता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया तापमान तब रेडिएटर में भेजेगा। इसी में पॉइंट और लिख लीजिए, ये वाटर आउटलेट में फिट रहता है, ठीक है। तो इनलेट आउटलेट क्या है, जहाँ से पानी वाटर जैकेट के अंदर आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनलेट, ठीक है, इनलेट। यहाँ पे एक तरफ पानी आ रहा है, पानी वाटर जैकेट से बाहर जहाँ पे जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, आउटलेट। वाटर जैकेट से जब पानी बाहर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, आउटलेट।
तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि थर्मोस्टेट वाल्व जो हमारी पूरी लाइन रहती है सिस्टम की, उसमें कहाँ पर फिट होता है? वाटर इनलेट में, तो इनलेट में तो हमको पानी टेम्परेचर पानी का चेक नहीं करना है, हमको कहाँ पर चेक करना है? जो वाटर जैकेट से पानी निकल रहा है उसका टेम्परेचर चेक करना है। तो कहाँ पर फिट रहता है? वाटर आउटलेट में हमारा थर्मोस्टेट वाल्व फिट रहता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, वाटर हेड टैंक। वाटर हेड टैंक, जब पानी गर्म होकर फैलता है तो एक्स्ट्रा पानी ओवरहेड टैंक में, यहाँ पे ओवरहेड टैंक लिख लीजिए, पानी ओवरहेड टैंक में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अगर आपको रेडिएटर प्रैक्टिकल लाइफ में रेडिएटर देखना हो और समझना हो, तो जो जनरेटर होता है ना शादी ब्याह में जो जनरेटर उपयोग होता है, वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो मैकेनिक रहता है बीच बीच में पानी डालता रहता है, तो जिसमें पनिया डालता है वो क्या होता है? वो हमारा रेडिएटर होता है। क्योंकि जनरेटर में किसी अलग से तो टंकी लगी नहीं रहती, तो पानी धीरे धीरे कम होता रहता है, तो वो ऊपर से क्या कर देता है? पानी डाल देता है। आप लोगों ने देखा भी होगा नॉर्मल, क्योंकि बहुत जगह जनरेटर वगैरह में देखा होगा कि पानी बीच में जब जनरेटर चलाने लगता है तो कुछ देर चल जाता है तो मांगता है ना भैया एक बाल्टी हमका पानी चाहे, पानी दे दे। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, मतलब छोटे में ही देख लिया था जनरेटर, छोटे छोटे थे तो पानी जब लेके जाते थे तो वहाँ पे देखते थे भाई ये कर क्या रहा है, तो क्या करता है वही रेडिएटर में ही क्या करता है, पानी डालता है। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एक वाइट कलर का फैन भी लगा होता है, फैन भी आपने देखा होगा। कभी कभी ये आपके साथ भी घटना हुआ होगा कि कभी कभी जो फैन की बेल्ट है यानी कि जो पंखे की बेल्ट है वो टूट जाती है, तो जनरेटर जिसके कारण थोड़ी देर चलता है। फिर ये होता है कि भैया गहन बेल्ट ले, मतलब तरह तरह की चीज़ें आपको लाइफ में देखने को मिली होंगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना आप इंजीनियरिंग को अपने आसपास के व्यवहार में महसूस करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको सीख पाएंगे, और अगर सिर्फ रटने का अगर वो आप प्रयास करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको सीखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। चीज़ों को अगर रिलेट करके पढ़ेंगे, अगर आपको अभी आपने कभी नहीं ध्यान दिया तो अगर आपको अभी कभी मौका मिले तो जाके रेडिएटर फैन सभी चीज़ें हैं चलते हुए जनरेटर की आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये दूसरा था हमारा ओवरहेडेड टैंक। तीसरा लिखिए एंटी फ्रीज मटेरियल। तीसरा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ना कि एंटी फ्रीज मटेरियल जब मैं आपको वाटर कूलिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पढ़ाऊँगा, तो तीसरा हेडिंग डाल लीजिए एंटी फ्रीज मटेरियल। भैया ये कहाँ से आ गया, अब ये क्या होता है? तो देखिए, अब वाटर कूलिंग सिस्टम में हम लोग पूरे सिस्टम में किसका उपयोग कर रहे हैं? पानी का। ठीक है, अब पानी का अगर मैं आपसे कहूँ कि हिमांक कितना होता है, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, जिस तापमान पर कोई जो द्रव है वो क्या होता है, जम जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हिमांक, या उसी का क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के रूप में मैं समझा रहा हूँ कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का मैं रहने वाला हूँ, और मेरे पास एक कार है। ठीक, मान लीजिए कोई भी कार है, एग्जाम्पल के रूप में समझिए, कोई भी कार हो सकती है। अब क्या हुआ कि भाई हम लोग का मन बना कि चले यार जम्मू कश्मीर घूमने चलते हैं, अपनी कार लेके चलते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग कैम्प वैम्प रास्ते में कर सकें। कार लेके जम्मू कश्मीर में, इस समय बर्फ पड़ रही है, जम्मू कश्मीर हम लोग घूमने चलते हैं। तो हम लोग अपनी कार लेके क्या कर लिए, निकल लिए जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो पानी का टेम्परेचर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाएगा। पानी का क्या मतलब, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, वायुमंडलीय टेम्परेचर जो हो जाएगा वहाँ पे, जब बर्फ भाई तभी पड़ेगी ना जब ऊपर का जो जलवाष्प है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, बर्फ के रूप में गिरेगा। तो पानी जो
वहाँ पे वायुमंडल का तापमान रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। तो जो हमारा कूलिंग सिस्टम में पानी रहेगा वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जिसके कारण जब पानी सर्कुलेट नहीं करेगा तो हमारी कूलिंग क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कि पानी हमारा एक निश्चित तापमान से नीचे हमारा पानी का तापमान चला जाए तब भी पानी हमारा क्या हो, जमे ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी फ्रीज मटेरियल का जो है उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि पानी वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी को जमने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी फ्रीज मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये पानी को जमने से रोकता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कौन कौन से जो मटेरियल हैं रोकते हैं, तो पहला लिख लीजिए वुड एल्कोहल, ठीक है। अब आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, वुड एल्कोहल को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में, जैसे ये तो हमारा क्या है, व्यावहारिक नाम है, अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो एक और नाम से जाना जाता है, और इसका फार्मूला अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं। वुड एल्कोहल का अगर फार्मूला आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो पहला होता है वुड एल्कोहल, दूसरा होता है ग्लिसरीन, ठीक है, तीसरा होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, कि एंटी फ्रीज क्यों उपयोग किया जाता है, तो पानी को जमने से रोकते हैं। एंटी फ्रीज मटेरियल किस कूलिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, एयर कूलिंग सिस्टम में, वाटर कूलिंग सिस्टम में, वाटर कूलिंग सिस्टम में। निम्न में से पूछेगा कि कौन सा एंटी फ्रीज मटेरियल है, तो तीन में से एक ऑप्शन दे देगा, तीनों दे देगा, कहेगा उपरोक्त सभी। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। अगला लिखिए रेडिएटर, चौथा जो पॉइंट है रेडिएटर, वैसे मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी इसको हेडिंग डाल के आप लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए इसका उपयोग पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में लिखिए, इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो रेडिएटर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। बेसिकली रेडिएटर में क्या पूछता है, जो उसके अंदर पाइप होती है उसका मटेरियल पूछा जाता है। तो किस मटेरियल का बना होता है, इसमें लिख लीजिए रेडिएटर तांबा या पीतल का बना होता है। ये प्रश्न भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तांबा या पीतल का क्यों बना होता है। तांबा का अगर पूछेंगे क्यों बना होता है, तांबा का जो ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक होता है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। हीट कंडक्टिविटी यानी कि ऊष्मा चालकता जो तांबे की होती है क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, जिससे आसानी से हीट को क्या करता है, बहुत जल्दी क्या कर देता है, पानी को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो इसलिए तांबा या पीतल का जो है बनाया जाता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, अगर समझ में इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, ठीक है, शेयर तब करिएगा जब आगे वाला पॉइंट मैं आपको बता दूंगा तब, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, हमने पढ़ तो लिया, कुछ प्रश्न हमारे क्लियर भी हो गए, कैसे पूछेगा, लेकिन और प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जहाँ पर जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं प्रश्न उसको मैं आपको वन लीनियर के माध्यम से लिखाऊंगा, ताकि अगर एग्जाम समय में आपको रिवीजन करना हो तो आसानी से आप वन लीनियर माध्यम से 2 दिन के अंदर आप पूरा जो डीजल मैकेनिक का कोर्स है वो रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स या जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखाने का पर्पज़ मेरा यही होता है, ताकि अगर आपके एग्जाम में 2 दिन बचे हैं तो आपको कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भैया कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है। अगर आप प्रॉपर नोट्स मेरे वीडियो से बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 2 दिन में आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, नोट्स बनाने का मतलब पर्पज़ ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया, आपने नोट्स बनाया हुआ है, हर चैप्टर में आपको थोड़ा सा क्या करना है, जगह छोड़ देना है, मेरी चीज़ें नोट करने के अलावा हर चैप्टर में आपको आधे से एक पेज
छोड़ देना है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मैंने नहीं पढ़ाया, कोई चीज़ छूट गया, या कोई चीज़ नहीं आपको किसी दूसरे टीचर ने बताई या किसी बुक से आपको मिली, तो आप क्या कर लेंगे उस चीज़ को उस किताब से, किताब में नहीं रहने देंगे क्योंकि एग्जाम समय आप किताब में कहाँ ढूंढेंगे, तो उस किताब से इसी चैप्टर में एक जगह पॉइंट वाइज आप करके नोट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका नोट्स इतना अच्छा बन जाएगा कि आपको और कुछ एग्जाम समय में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, सिर्फ नोट्स पढ़ के जाएंगे और सभी क्वेश्चन आप मैक्सिमम करके आएंगे। तो नोट्स ज़रूर बनाइए, जो भी पढ़िए वो नोट्स के माध्यम से पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए, क्योंकि नोट्स क्या होता है एग्जाम समय में रिविजन करने में आपको बहुत ही मदद करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए तो कुछ बिंदुओं को मैंने अभी लिख लिया है, कुछ और पॉइंट हैं तो उसको मैं आगे अभी लिखूंगा। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है कि इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है। अब देखिए रेडिएटर का काम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पानी को क्या करना, कूल करना इसका काम होता है, लेकिन किस तरह से ये ऊष्मा को जो है संचारित करता है। तो देखिए आपको अगर बेसिक आपका क्लियर होगा तो ऊष्मा संचरण की तीन विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी। पहला होता है कंडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन मतलब जहाँ पर किसी माध्यम से हम लोग क्या करते हैं ऊष्मा का प्रवाह करते हैं। जैसे अगर आप एक लोहे की रॉड ले लें और उसको आग से गर्म करें, आगे का सिरा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है पीछे वाला सिरा भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ऊष्मा का ऊष्मा का जो संचरण हुआ किस तरह से हुआ, कंडक्शन के माध्यम से। यानी कि जो लोहे की रॉड रहेगी वो जो आगे वाला कड़ रहेगा वो पीछे वाले कड़ को ऊष्मा देगा। इसी तरीके से आप जो आपके हाथ के पास क्या हो जाएगा ऊष्मा पहुँच जाएगी और आपका हाथ जो है जलने लगेगा। दूसरा क्या होता है कन्वेक्शन, जब आप पानी गर्म करते हैं, पानी जब गर्म करते हैं तो पानी ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ऊपर वाला गर्म हो जाता है। पानी कैसे होता है, जब आप पानी को आग पर रखते हैं, यहाँ पे आग जल रही है, तो जो नीचे के अणु है ये क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ये जब नीचे के अणु गर्म होते हैं तो गर्म होकर क्या करते हैं, ऊपर उठते हैं, और जो ठंडे पानी के अणु हैं वो इसका स्थान ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये जो ठंडे वाले अणु है ये गर्म होते हैं, फिर ऊपर की तरफ उठते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कन्वेक्शन की तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। सेम वही यहाँ पर पूछा गया है कि इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है, तो कन्वेक्शन के द्वारा। इसको हिंदी में बोलते हैं संवहन। ठीक है, कंडक्शन की हिंदी मुझे नहीं याद आ रही है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। रेडिएशन, अब रेडिएशन में क्या होता है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है बिना किसी माध्यम के होता है। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें हमारे पास आती हैं तो हमें ऊष्मा मिलती है ना, लेकिन क्या बीच में कोई माध्यम है जो वायुमंडल से आ रहा है। मान लीजिए हमारा जब वायुमंडल में पहुँचता है तो वहाँ पर हवा वगैरह आ जाती है, लेकिन जब ऊपर निर्वात में प्रकाश ट्रैवल करता है तो वहाँ पर क्या होता है, बिना किसी माध्यम के जो ऊष्मा होती है वो हमारे तक आती है। तो ये क्या हो गया, रेडिएशन। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। दूसरा देखिए प्रश्न पूछा गया था कि थर्मोस्टेट कितने डिग्री से कम तापमान के पानी को अपने अंदर से नहीं जाने देता है। तो कितने, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाएगा तब ये अपने अंदर से जाने देगा और रेडिएटर में भेजेगा। किसी किसी बुक में मान लो आपको 77 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलेगा, तो ये भी सही है क्योंकि एकदम एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा रेंज में होता है 75 से 80। तो ऐसा नहीं भैया मैंने 80 बता दिया, गलत बताए हैं किताब में तो 77 लिखा है, किसी किसी को 77-78 भी आपको मिल सकता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है पूछा गया था कि वाटर जैकेट बना होता है तो कहाँ पर बना होता है, तो सिलेंडर ब्लॉक पर। सिलेंडर ब्लॉक पर क्या होता है, बना होता है। चौथा प्रश्न है कि प्रयोग में आने वाले जमावरोधी पदार्थ, जमावरोधी पदार्थ मतलब एंटी फ्रीज मटेरियल जो जमाव को क्या करें, रोकें, कौन कौन से हैं। तो हालांकि मैंने आपको बता दिया था लेकिन फिर भी लिख लीजिए, यहाँ पे एक बार और लिख लीजिए, वुड एल्कोहल, ग्लिसरीन और एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक, ये हो गए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि थर्मोसाइफिन के जो हानि है
वो क्या है, यानी कि थर्मोस आइफन यूज करने का जो डिसएडवांटेज एक तरह से है, डीमेरिट है, वो क्या है। तो पहला इसका ये है कि ये सिर्फ क्या है, छोटे वाहनों के लिए उपयुक्त है, छोटे वाहनों या छोटे इंजनों की आप लिख सकते हैं, छोटे वाहनों के लिए उपयुक्त है। दूसरी इसकी जो दक्षता क्या है, यानी कि जो इसकी इफिशियंसी है वो क्या है, बहुत ही कम है, तो यही इसकी क्या है, हानि है। छठवां नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि पानी को किसका प्रयोग करके ठंडा किया जाता है, तो सिंपल है, रेडिएटर का प्रयोग करके। रेडिएटर का प्रयोग करके क्या किया जाता है, पानी को ठंडा किया जाता है। अगला प्रश्न है एंटी फ्रीज का कार्य क्या है, तो इसमें भी सिंपल आपको पता है, पानी को क्या करना, जमने से रोकना, यही एंटी फ्रीज का कार्य होता है। अगला पॉइंट है कि रेडिएटर बना होता है, तो ये मैंने आपको पहले भी लिखा दिया था, लेकिन फिर भी एक जगह और लिख लीजिए, तांबा या पीतल का बना होता है। अगला पॉइंट है कि थर्मोस्टेट वाल्व फिट रहता है, कहाँ पर फिट रहता है, तो वाटर आउटलेट में, वाटर आउटलेट में क्या रहता है, फिट रहता है। दसवें नंबर का पॉइंट है कि रेडिएटर साफ करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो बहुत लोगों ने अगर पानी गर्म करने वाला जो गीजर आता है 150-200 रुपये का, ठंडी में हम लोग उपयोग करते हैं ना, मतलब वो VIP वाला गीजर नहीं जो बाथरूम वगैरह में लगा रहता है, एक रॉड की तरह इस तरीके का गीजर आता है ना, इस तरीके का, ऐसे सिंपल, इसके अंदर एलिमेंट रहता है, जैसे हमारा प्रेस गर्म होता है वैसे गीजर भी गर्म होता है, जब इसको पानी के अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, पानी हमारा गर्म हो जाता है। तो अगर आपके घर में गीजर होगा, कुछ दिन बाद आप इसको निकाल के देखेंगे, तो इसके चारों तरफ, यानी कि जो ये रॉड होती है इसके चारों तरफ क्या होती है, पपड़ी जम जाती है, यानी कि स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। पानी के अंदर जो गंदगी रहती है वो क्या होता है, उसका जब डिपोजिशन इस हमारी रॉड रहती है उसके ऊपर हो जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर पपड़ी, यानी जिसको स्केल हम लोग बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है वो धीरे होने लगता है, ठीक है। सेम काम वहीं पे होता है, यहाँ पे भी होता है रेडिएटर में, रेडिएटर से गर्म गर्म पानी बार बार गुजरता है, गर्म ठंडा पानी गुजरता है, तो वहाँ पे पानी में जो गंदगी होती है वो रेडिएटर के पाइपों के अंदर जम जाती है, वहाँ से जमने से क्या होगा, जो पानी का जो ऊष्मा का स्थानांतरण वायुमंडल को होना चाहिए ज़्यादा, वो क्या हो जाएगा, वो अवरुद्ध हो जाएगा, तो बहुत ही धीरे धीरे ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो हमको क्या करना पड़ता है, जो रेडिएटर को बीच बीच में साफ़ करने की आवश्यकता होती है, तो यही आपसे पूछा है कि रेडिएटर को साफ़ करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, तो किस विधि का उपयोग करते हैं, तो रिवर्स फ्लशिंग, रिवर्स फ्लशिंग, रिवर्स फ्लशिंग का उपयोग जो है करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, पूछा गया है कि बस में किस कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो बस में वाटर कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, वाटर कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो कुछ और पॉइंट हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में नोट कर सकें, तब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो देखिए 11 पॉइंट तक हम लोगों ने लिख लिया था, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। इसमें प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि थर्मोस्टेट वाल्व का क्या कार्य है, तो रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करना, रेडिएटर में जो जल प्रवाहित हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है हमारा थर्मोस्टेट वाल्व। तो आप इसमें लिखिए, रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करना, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, इसमें पूछा जाता है कि रेडिएटर में पानी के प्रवाह की दिशा वो कैसे होती है, तो पानी देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो प्रवाह की दिशा क्या हो गई, ऊपर से नीचे। ये सब प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है रेडिएटर पंखा हवा को कैसे व्यवहारित करता है, तो मैंने अभी आपको समझाया था, आगे से पीछे, आगे से पीछे की ओर, यानी कि आगे से क्या करता है, पीछे की ओर अपने तरफ क्या करता है, खींचने का काम करता है। अगला पॉइंट है वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के चारों तरफ होता है, तो सिलेंडर के चारों तरफ क्या होता है भैया, फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाया था कि सिलेंडर के चारों तरफ वाटर जैकेट बनी होती है, तभी तो सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो वाटर जैकेट में जो पानी रहेगा खींचेगा और बाहर ले जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर जैकेट।
अगला पॉइंट है कि वाटर कूलिंग सिस्टम के प्रकार हैं। तो वाटर कूलिंग सिस्टम के दो प्रकार हैं, पहला है थर्मोसाइफन विधि आप लिख सकते हैं या सिस्टम लिख सकते हैं, दूसरा पंप विधि या पंप सिस्टम। अगला पॉइंट है रेडिएटर को फटने से बचाने के लिए क्या लगाते हैं, तो प्रेशर कैप लगाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है रेडिएटर फैन को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है वी बेल्ट प्रयोग किया जाता है। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो जाके जनरेटर देखिए, वहाँ पे जो बेल्ट बेल्ट के माध्यम से जो चलाया जाता है फैन को, तो कौन सी बेल्ट होती है, फ्लैट बेल्ट होती है, वी बेल्ट होती है, कई तरह की हमारी बेल्ट होती है, तो वही पूछा कि कौन से बेल्ट का जो उपयोग किया जाता है, तो वी बेल्ट का। जब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है, तो वहाँ पर वी बेल्ट का आपको पूरा जो है मैकेनिज्म समझाऊँगा। अगला पॉइंट है कि बिना पंप का वाटर कूलिंग सिस्टम क्या कहलाता है, तो बिना पंप का जो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोसाइफन बोलते हैं। अगला पॉइंट है वाटर पंप को शक्ति कहाँ से प्रदान करते हैं, तो क्रैंक शाफ्ट से, ठीक है। जो नेट पावर हमको मिलता है कहाँ पर मिलता है, क्रैंक शाफ्ट, लास्ट सोर्स पावर का होने के बाद जो हमको नेट पावर मिलता है कहाँ पर मिलता है, क्रैंक शाफ्ट पर। तो क्रैंक शाफ्ट में से ही हम लोग कुछ पावर को निकाल के क्या करते हैं, जो पंप होता है, जो हम लोग पंप सिस्टम में पंप का उपयोग करते हैं उसको चलाने के लिए भैया पावर चाहिए ना, तो उसको हम लोग क्रैंक शाफ्ट से थोड़ी पावर लेके क्या करते हैं, उस पंप को चला लेते हैं। तो ये था हमारा आज का जो है वाटर कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, अगर आपका कोई रिलेटेड डाउट हो करियर से रिलेटेड तो वहाँ पर मैं रिप्लाई दूंगा। और वीडियो लास्ट में होगा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर इंजन कूलिंग का जो सिस्टम का जो चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आप सिलेबस में देख लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।